हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक 2023, आखिरकार कब तक होगी महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की नियुक्तियां? इसको लेकर हाईकोर्ट की ओर से जो लगी हुई रोक थी वो हट चुकी है दोस्तों। अभी भी इस बात पर मैं क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगा रहा हूँ, और अगर आज शाम को 5 बजे तक कई जगह पर यह खबर चल रही कि आज शाम को 5 बजे तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, क्या ये बात सच है? अगर आज शाम को 5 बजे आपका रिजल्ट आ जाएगा तो दोस्तों आपकी नियुक्ति कब तक होगी? तो चलिए मैं इन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे राजस्थान के अंदर अभी लग चुकी है आचार संहिता, तो यहाँ पर आचार संहिता के अंदर नई नियुक्त हैं जो पद में नियुक्तियाँ नहीं दी जाएगी। तो इस हिसाब से हम आपको एक चीज़ तो क्लियर कर देते हैं कि अभी जब तक आचार संहिता नहीं हटती, जब तक आपके इलेक्शन कंप्लीट नहीं होते, तब तक मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर आपके महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की नियुक्ति होना असंभव जैसा कार्य है। हालांकि सरकार चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती, इसके लेकर बाद में बात करेंगे। भाई दूसरी तरफ बात कर लेते हैं, हाईकोर्ट के अंदर रोक लगी थी कि भाई जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू के अंदर चाहे तो कहीं ना कहीं घोटाला भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी, जहाँ तक स्टूडेंट्स का मत है, तो इंटरव्यू के बेस पर ना होकर ये अपने जो उपखंड स्तर है, उपखंड स्तर पर एक एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था, और उसके जो अंक प्राप्त होते हैं उसके आधार पर उनको नियुक्तियाँ दे देनी चाहिए थी।